नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह को कुरुक्षेत्र में सम्मानित करने के लिए आया न्योता। उसकी सीधी सादी वजह, कुरुक्षेत्र में उस समय के रीवा महाराज वेंकट रमन सिंह के जमाने में 2 लाख रुपए देकर कुरुक्षेत्र में मंदिर की स्थापना कराई गई थी। महाराज वेंकट रमन सिंह बहुत बड़े गौ भक्त माने जाते थे। आज भी वहां गौशाला चलाई जा रही है। कुरुक्षेत्र का नाम सुनकर ही एहसास हो जाता है यह एक धार्मिक नगरी है, धर्म से जुड़ा मामला। तात्कालीन रीवा महाराज उस जमाने में बहुत बड़े गौ भक्त के रूप में जाने जाते थे, जिसके चलते उन्होंने कुरुक्षेत्र में उस जमाने में 2 लाख रुपए आज की करोड़ रुपए के बराबर की रकम देकर एक मंदिर की स्थापना कराई, एक गौशाला की स्थापना कराई थी, जिसके चलते कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके वारिस वर्तमान रीवा महाराज पुष्पराज सिंह को 17 दिसंबर को कुरुक्षेत्र आने का न्योता भेजा है। इसी दिन देश के उपराष्ट्रपति भी कुरुक्षेत्र में मौजूद होंगे, जहां महाराज रीवा का सम्मान किया जाएगा। महाराज पुष्पराज सिंह अभी हाल ही में गुजरात से लौटे हैं, जहां उन्हें देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में खास तौर से बुलाया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि उनके पिता तत्कालीन महाराज मार्तन सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम कर दी। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में महाराजा पुष्पराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, जहां कुरुक्षेत्र का नाम आता है तो एक पंक्ति दिमाग में आ ही जाती है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम का पांडवा शैव किम कुर्वन्ति संजय। तो उस कुरुक्षेत्र में महाराज वेंकट रमन सिंह जी के समय उस जमाने में 2 लाख रुपए देकर मंदिर की स्थापना कराई गई थी। और मंदिर की स्थापना कराने के पीछे जो बहुत बड़ा एक कारण था, वो था गौ रक्षक के रूप में रीवा महाराजा जाने जाते थे। और उनके पिताजी और उनके बाबा महाराज वेंकट रमन सिंह के, मतलब मेरे पर बाबा पर दादा, गौ रक्षक में उन्होंने काम करा था और ये मंदिर वहाँ बनाया गया था। मुझे कहते हुए बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड अथॉरिटी है, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं 17 तारीख को, क्योंकि उनका कार्यक्रम 7 से लेकर 24 दिसंबर तक चल रहा है, 17 तारीख को मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं उनके कार्यक्रम में भाग लेने। और उसी दिन महामहिम भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी भी पधार रहे हैं। और उसके बाद मेरी जो परपाजी थी, महाराज वेंकट रमन सिंह जी की जो एक पत्नी थी हमारे प्रतापगढ़ से, उन्होंने वहां पर वो पैसे दिए और वहां बिल्डिंग बनी और सारी चीजें हुई और वहाँ पर संचालित जो हो रहा है, ख़ास तौर से गौशाला वहाँ संचालित हो रही है, गरीब लोगों के लिए प्रसाद और जो भक्तजन आते हैं वो प्रसाद की सामग्री और मंदिर की निर्माण की जो कार्यवाही हुई, उसको देखते हुए उन लोगों ने मुझे याद करा है और मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए परम भाग्य की बात है, सौभाग्य नहीं, भाग्य की बात है, क्योंकि कहा गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम अग्रे अग्रे धावत धावत। तो जो भी कृत्य हमारे परिवार ने करा और जो भी पुण्य का काम किया, वो आज इस शताब्दी में मेरे पास आ रहा है। मैं केवल उसका याचक हूँ, मैं केवल उसको अपनी गोद में ले रहा हूँ, रीवा की महान जनता को, विंध की महान जनता को उसको बांट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वजों का ये इतिहास है। और जो मेरे पूर्वजों का इतिहास है वो मैं अकेला लेके उसका मालिक नहीं बन सकता हूँ, ये आप सबका है।
और आप सबके माध्यम से मैं ये विनती कर रहा हूँ, जो मेरे पीछे एक भव्य मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, उनके कार्यक्रम हमारे गुजरात में गांधीनगर में उनकी पुण्यतिथि पे कार्यक्रम अभी आहूत हुआ था, जिसमें ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, लेकिन उस कलम के जो ओनर थे, जो उसके मालिक थे, महाराजा मार्दन सिंह जी, जिन्होंने बिना एक पैसा लिए अपनी सारी संपत्ति भारत शासन को विलय कर दी, उसके खुशी में जो अवार्ड मिला उसको भी मैं लेने गया था। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।